भाई ध्यान तो देखो, तो हमें यानी कि जो यह हरियाणा सूट पहन रही है या दस की छात्री है जो कि आरोपी सिद्ध करी है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जिसको कोर्ट में लेकर आया गया है। तो भाई इस टाइम पर जो ये लाइव तस्वीर हम देखने लग रहे हो करनाल की कोर्ट की है लाइव तस्वीर, बहुत बड़ा मामला है यानी कि जस हत्याकांड में बहुत बड़े मामला का खुलासा हो गया है। यानी कि भाई जस की चाची जो है मुख्य आरोपी है जिसके इंचार्ज इस मामले के पूरे घटनाक्रम का मामले के जो इंचार्ज है मोहनलाल, उस इंचार्ज और उनकी टीम के साथ उसकी चाची को गिरफ्तार करके कोर्ट में लिया गया है। और भाई हम देखने लग रहे हो फिलहाल जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था और बंदोबस्त कर रखे हैं। यह तस्वीर जो है हम करनाल कोर्ट तक लाइव तस्वीर हम देखने लग रहे हो जिसमें कि जस की जो चाची है वह मुख्य आरोपी है जिसको आरोपी को पकड़ गए और भाई करनाल की कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आया गया है और पूरे सुरक्षा के चार चौकस प्रबंध करे गए हैं। लाइव तस्वीर इस टाइम हम करनाल से देखने लग रहे हो, बहुत बड़ा मामला बहुत बड़ी खबर इस टाइम करनाल से। ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो मोहनलाल यानी के जो इसके मामले के पूरे इस मामले के इस घटनाक्रम के इंचार्ज हैं उनकी निगरानी में पूरी सुरक्षा व्यवस्था में जस की चाची यानी के कातिल अमनु को आगे कातिल चुड़ैल डायन जो भी शब्द इस्तेमाल करे जावे वही कम है। और तम देखने लग रहे हो किस तरह पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोर्ट में इसको पेश किया जाओगा, आगे के कार्रवाई चलेगी उसके बारे में भी पल पल की अपडेट संसार क्रांति का माध्यम से तारते मिलती रहेगी। और यह दर्दनाक तस्वीर यानी के यह दुर्लभ तस्वीर इस टाइम जो है करनाल की कोर्ट तक हम देखने लग रहे हो। हमने बताया दिया 5 अप्रैल ने जस का अपहरण हुआ था जिसमें कि एक बाबा जो है बाबा की जोड़ी में जस संदिग्ध अवस्था में दिखा था। उसके बाद पूरा मामला पूरा बवाल होया और भाई जस का जो मामला पूरा वर्ल्ड लेवल पे लोगों तक पहुंचा, बहुत दर्दनाक घटना यानी कि रिश्ते भी तार तार हुए। और भाई एक तरह से न्यू कैश कहा कि बेरहमी है जो कत्ल कराया गया जस का और यह जो कातिल जो इसकी चाची है जिसको मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार करके और करनाल की कोर्ट में इस टाइम पेश किया जाओगा। ये लाइव तस्वीर जो है तो भाई ध्यान तो देखो, तो हमें यानी कि जो यह हरियाणा सूट पहन रही है या जस की चाची है जो कि आरोपी सिद्ध करी है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जिसको कोर्ट में लेकर आया गया है। और तारती बता दे भैया इसकी जो चाची है जस की कदे भी कैमरे के सामने नहीं आई और इसमें शक की सुई की अगर मैं बात करूं तो कदे ताऊ ताई के ऊपर सुई अटकी कदे दादी के ऊपर सुई अटकी, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो मामला श्याम यह है कोर्ट में पेश किया गया है जस की चाची को जो यह हरियाणा सूट पहन रही है जो कदे भी कैमरा के सामने नहीं आई या जस की चाची जो कि तुम देखने लग रहे हो कोर्ट में पेश किया जाने लग रहा है संसार क्रांति पर इस टाइम तुम देखने लग रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मामला बहुत दुखद खबर जिसने की पूरे देश को अलग दर्द दिया, पूरे इतनी दर्दनाक इतनी दुखद घटना दिया जिसकी वजह से सारे मतलब मामला जो है न्यू कैश कहा के पूरे हरियाणा वासियों का दहल बैठ रही थी। तो ये लाइव तस्वीर जो है तम देखने लग रहे संसार क्रांति पर करनाल की कोर्ट में इस टाइम जस की चाची को पेश किया जाने लग रहा है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। तो इन तस्वीरों के ऊपर आम तमने छोड़ कर जान लग रहे हैं और तम भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखियो कि कानून तो चलो जो सजा देगा देगा लेकिन तारी अपनी राय में इस डायन चुड़ैल को जिसने की इतनी बेरहमी है यू कत्ल करया एक मासूम जस को कितनी बेदर्दी है कत्ल कराया गया है इसके ऊपर तारी अपनी के राय कि इसको के सजा मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। और ये लाइव तस्वीर आप छोड़कर तारती जान लग रहे हैं भाई, शेयर कर दियो वीडियो ना ताकि आगे तो इस तरह की घटना ना घटे।